हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आज भी मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ नियुक्ति से संबंधित है। जैसे पिछला वीडियो मैंने रो के नियुक्ति के संबंध पे मैंने बनाया था, और आज का वीडियो है वो है सीबीआई से संबंधित है, जो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसका जो है सीबीआई का स्पेशल निदेशक, ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर का पोस्ट है, उस पर नियुक्त किए गए हैं। और वो कौन है? आईपीएस अधिकारी हैं अजय भटनागर जी। ठीक है, अजय भटनागर जी को नियुक्त किया गया है, और आप लोग यहाँ पे उनका पिक्चर देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, और सिक्स साइड में लिखा हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिया। ये है सीबीआई का ऑफिशियल लोगो। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज का वीडियो है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि ये जो आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर है, उनको सीबीआई का विशेष निदेशक, ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और उनके नियुक्ति का जो पुष्टि किया गया है वो क्रमिक मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया, एक लेटर इशू किया गया, उसके माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। ठीक है, और यह जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार सीबीआई का जो संयुक्त निदेशक है वो अनुराग को एजेंसी के अतिरिक्त निदेशक होंगे। ठीक है, वहाँ पे एक संयुक्त निदेशक जो है, जो थे, अब उनका नाम अनुराग है, वो अब संयुक्त निदेशक से अब बन चुके हैं अतिरिक्त निदेशक। ठीक है, वो एक पोस्ट पे चले गए हैं। और जैसे यहाँ पे बताया जाता है कि जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो जिसका नाम है मनोज शशिधर, ठीक है, जो गुजरात कैडर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो उनकी जो अवधि है 3 साल अवधि के लिए सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें? मनोज शशिधर को, जो गुजरात कैडर 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, और वह जो फिलहाल जांच एजेंसी में संयुक्त निदेशक हैं। कौन? शशिधर, मनोज शशिधर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जानकारी पाते हैं अजय भटनागर के बारे में, जो विशेष निदेशक के रूप में सीबीआई में नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो अजय भटनागर जो हैं वो झारखंड कैडर के 1979 बैच के, ठीक है, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा, मतलब आईपीएस के अधिकारी हैं। ठीक है, कौन? अजय भटनागर। ठीक है, और वह जो वर्तमान समय में वो केंद्रीय जांच एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनकी नियुक्ति 20 नवंबर 2024 तक, अर्थात उनके रिटायरमेंट तक की गई है। मतलब ये जो 20 नवंबर जो है 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर, ये जो है अजय भटनागर जी हैं वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक वे इस पद पर विशेष अधिकारी, जो विशेष निदेशक का पद उन्हें दिया गया है, उस पे वे कार्यरत रहेंगे, और 20 नवंबर 2024 तक में वे रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया अनुराग के बारे में, वे अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हुए हैं, पोस्ट उन्हें दिया गया है, जो सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत अनुराग को अब अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अतिरिक्त निदेशक के रूप में। ठीक है, ये चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, जो भटनागर जी हैं, अजय भटनागर जी हैं, वे विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और यहाँ पे जो अनुराग जी के बारे में बात हो रहा है वो अतिरिक्त निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो उनकी नियुक्ति है इस पद पर 24 जुलाई 2023 तक की गई है, मतलब इसी वर्ष, मतलब इसी मंथ 2000, मतलब 24 जुलाई 2023 को, इसी मंथ के लिए उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनका जो 7 साल का कार्यकाल है वो भी पूरा हो जाएगा, ये कहा गया है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सीबीआई निदेशक है उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है। वर्ष 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति डीएसपीई अधिनियम
1946 के आधार पर की जाती थी, लेकिन 2014 के बाद लोकपाल अधिनियम के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान बनाया जाता है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का चयन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की अध्यक्षता में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाती है। मतलब 2014 के बाद से, और उससे पहले सीबीआई निदेशक नियुक्ति के लिए डीएसपीई अधिनियम 1946 के तहत किया जाता था। चलिए अब छोटी सी जानकारी सीबीआई के बारे में। जैसा आप सबों को मैंने बताया, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1963 ईस्वी में की गई थी, जो संथानम समिति, ठीक है, संथानम समिति के सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा की गई थी। सीबीआई वैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, इसका गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? दिल्ली में विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, ठीक है, पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इस संस्था का स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात की जाती है तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है सीबीआई का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने यही जानने का प्रयास किया कि सीबीआई क्या होता है, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कैसे की जाती है, और कुछ नियुक्ति जो हुए हैं, जैसे अनुराग बने जो अतिरिक्त निदेशक बने हैं, और अजय भटनागर जो विशेष निदेशक बने हैं, और उनके बारे में भी हमने जाना कि वे कौन हैं, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, जैसा, और ये अगले साल वे रिटायर भी होने वाले हैं नवंबर महीना में। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने जाना अजय भटनागर जी के बारे में, जो आईपीएस अधिकारी हैं और वे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ एक छोटी सी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान दीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।